नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निकलेश जैन हिंदी चेस वे सीन चल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे शतरंज ओलंपियाड जो है वो अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर गया है, मतलब प्लेऑफ के मुकाबले जो है कल से शुरू होने जा रहे हैं 13 सितंबर से। 8 टीमें क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं और इनकी टाइमिंग जो है मैच की वो भी डिक्लेयर कर दी गई है। तो आइए देखते हैं क्या क्या टाइमिंग्स पर ये मुकाबले जो है होने जा रहे हैं। सबसे पहले 13 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे से 2:30 पर मुकाबला शुरू होगा, चीन के सामने होगा पोलैंड की टीम। चीन जो कि ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर रही है, पोलैंड जो ग्रुप डी में जो है वो पहले स्थान पर रही है। इन दोनों के बीच में मुकाबला होगा। तुलनात्मक तौर पर भी देखेंगे कौन सी टीम किस पे भारी है, लेकिन आपको बता देते हैं कि चीन जो है पिछले बार क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन से हार करके बाहर हो गई, तो उस कमी को पूरा करना जरूर चाहेगी। इसके बाद 4:30 बजे मुकाबला होगा, जिस सबका हम सब इंतजार कर रहे हैं, जिस मुकाबले का भारतीय टीम का मुकाबला होगा यूक्रेन की टीम से, वही यूक्रेन की टीम जिसने पिछले बार चीन को हराया था और भारत जो कि पिछले बार संयुक्त विजेता बना था। तो ये मुकाबला भी बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है। इसके बाद शाम को 7 बजे मुकाबला होगा ग्रुप सी में टॉप पर रहने वाली रूस की टीम का, ग्रुप बी जो कि भारत की टीम थी, भारत का ग्रुप था, उसमें जो दूसरे स्थान पर रहा था भारत के बाद हंगरी, तो रूस और हंगरी का मुकाबला होगा शाम को 7 बजे। इसके बाद आखिरी मुकाबला होगा रात को 9:30 बजे, ये मुकाबला होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ग्रुप ए में चीन को पीछे छोड़ने वाला कजाकिस्तान, इन दोनों के बीच जो है ये मुकाबला जो है होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये हैं 4 मुकाबले जो कि कल आप हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर लाइव जो है देख पाएंगे। इसका प्रसारण हमारे कई जो है विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इसके लिए। खैर, तो चलिए अब करते हैं तुलनात्मक तौर पर अध्ययन कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ सकती है और मेरे प्रेडिक्शन क्या कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब कर लेते हैं तुलना इन टीमों की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम चीन और पोलैंड की टीम से। अगर आप यहाँ पे देखोगे चीन और पोलैंड की टीम का जो आप कंपैरिजन करोगे, तो आपको देखेगा कि ऊपर के सेक्शन में डिंग लीरेन वे ई हैं और यहाँ पर डूडा और राडास्लाव हैं। तो अगर मोस्टली यही टीम जो उतरेगी अपनी बेस्ट टीम क्वार्टर फाइनल में, ये टीम उतारेंगी। तो यहाँ पर पोलैंड होल्ड कर सकता है, इवन उलटफेर भी कर सकता है चीन के खिलाफ। लेकिन अगर आप बात करेंगे महिला सेक्शन की, जहां पर हु इफान जू वेंजुन है, तो निश्चित तौर पर चीन यहां पर क्लियर फेवरेट है। 2 विश्व चैंपियन जहां पर खेल रहे हो, वहां पर वुमेन सेक्शन में थोड़ी सी परेशानी तो जाएगी पोलैंड। तो पोलैंड यहां पर कमजोर है चीन के सामने। और अगर आप बात करेंगे जूनियर सेक्शन की, तो यहां पर आप मिला जुला बोल सकते हैं दोनों टीमों को। तो ओवरऑल मैं ये बोलूंगा कि चीन और पोलैंड के मुकाबले में वैसे चीन का पलड़ा भारी है। अगर चीन के वुमेन सेक्शन क्लिक कर गया यहां पर, तो फिर पोलैंड के लिए चीन को रोकना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं भारतीय शतरंज टीम की, और उसके सामने है यूक्रेन की टीम। यूक्रेन की टीम को हम कमतर इसीलिए नहीं आंक सकते क्योंकि इस टीम ने पिछले बार चीन को हरा करके बाहर कर दिया था शतरंज ओलंपियाड से। तो भारतीय टीम इसके साथ जो है वो अलर्ट मोड पर रहने वाली है। अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखते हैं ऊपर के 4 खिलाड़ी आनंद, विदित और जो पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूं मैं, हरिकृष्णा, आदिबन, भारतीय टीम खास तौर पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर इवानचुक, सेवचेंको, किरिल, एंटोन कोरोबोव और व्लादिमीर ओंशचुक की जो टीम अगर आप देखें, इनसे आप कंपेयर करेंगे मेंस के 4 खिलाड़ी, तो भारत यहां पर साफ तौर पर मजबूत नजर आता है। भारत के ना सिर्फ विश्वनाथन आनंद शानदार तरीके से लीड कर रहे हैं, जबरदस्त जीत रहे हैं, बल्कि विदित, हरिकृष्णा और अधिबन भी शानदार फॉर्म में आ चुके हैं, ये हमने पूरा देख लिया है ग्रुप चरण में। तो भारत यहां पर काफी मजबूत है और भारत इवन पहले 2 बोर्ड से ही बढ़त बना सकता है। उसके बाद हरिका, हम्पी और आप देख सकते हैं तानिया सचदेव और भक्ति कुलकर्णी। यहां पर मैं कहूंगा कि भले हम देख रहे हैं कि हरिका ने ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं और तानिया का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप तुलना करोगे यूक्रेन की टीम से, तो भारतीय टीम यहां पर भी जो है काफी अच्छी नजर आती है रेटिंग वाइज भी। ओस्मा कुलूजा है यहां पर, गापो नेवका है यहां पर, तो उसके हिसाब से आप कंपेयर करोगे भारतीय टीम बहुत ही मजबूत यहां पर नजर आ रही है। तो वुमेन सेक्शन मुझे लगता है खासतौर पे हम्पी जी जो है वो एक बढ़त भारत को निकाल करके दे सकती हैं यूक्रेन के खिलाफ। उसके बाद जूनियर सेक्शन में निहाल हो, प्रज्ञानंदा हो, वैशाली, अब इन्हीं के 3 आसपास रहना होगा। मुझे लगता है कि सविता को शायद चांस नहीं मिलेगा क्वार्टर फाइनल में। तो अगर आप देखें निहाल, प्रज्ञानंदा और वैशाली, इनकी आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे उनके नंबर 5 और नंबर 6 प्लेयर से, यहां पर भी भारतीय टीम जो है मुझे लगता है खासतौर पर वैशाली का रोल यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। निहाल और प्रज्ञानंदा भी आपको जीत निकाल के दे सकते हैं। तो मुझे साफ तौर पर लगता है कि यूक्रेन के खिलाफ भारत शायद एक मुकाबला 4-2 से जीते, दूसरा 3.5-2.5, ऐसा भी एक आध दो
तो मुकाबले जो है एकाध नज़दीकी मुकाबले भी हो सकते हैं, लेकिन भारत यहाँ पर जीत करके निश्चित तौर पर आगे जा रहा है। इसके बाद बात करें रूस और हंगरी के मुकाबले की, तो रूस जो है वो अभी तक आप देखें कि एक भी मुकाबला हारा नहीं है और लगातार शानदार शतरंज खेल रहा है। और यहाँ पर अलेक्जेंडर ग्रिशचुक, डेनियल डोबो, ये ओनली एक ऐसी टीम आप देखिए जहाँ पर कि जो एवरेज रेटिंग होगी पहले चार खिलाड़ियों की वो बहुत ही अच्छी है, ठीक चाइना की तरह आप कह सकते हो, लेकिन चाइना से भी बेहतर है यहाँ पर। तो आप तुलनात्मक तौर पर यहाँ पर भी देखोगे जब इस टीम का सामना हंगरी से होगा तो मुझे नहीं लग रहा है, आप कोई भी बोर्ड कंपेयर कर लो, हर बोर्ड पर रूस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत है। और मुझे लगता है कि रूस ये मुकाबला 5-1 से भी जीत जाए, अगर एक दो मुकाबले 5-1, 4-2, ये बहुत ही आसान जीत रूस के लिए बन सकती है। हंगरी ने अच्छा शतरंज दिखाया है लेकिन रूस उसके सामने बहुत ही मजबूत टीम यहाँ पर नजर आती है दोस्तों। इसके बाद बात करेंगे जो सबसे आखिरी में रात में मुकाबला खेला जाएगा, कजाकिस्तान जिसने शानदार शतरंज खेली है, चीन को भी हराया, उसके सामने है यूनाइटेड स्टेट्स। अब यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो भारतीय टीम से मुकाबला खेलने वाला है। यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप देखोगे तो कजाकिस्तान के पास पूरे रिजर्व प्लेयर हैं, मतलब टोटल 12 खिलाड़ी हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास सिर्फ 9 खिलाड़ी हैं, मतलब 3 खिलाड़ी उनके पास जो है रिजर्व के हैं ही नहीं। और इससे क्या होता है कि सामने वाली टीम को आपके लिए स्टडी करना, आकलन करना जो है वो आसान बन जाता है। तो पहले बोर्ड पर जेफरी ज़ियोंग जरूर हैं और ऑप्शन रो हैं दूसरे बोर्ड पर, लेकिन अगर आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो जो टीम ने, ये जो कजाकिस्तान की टीम है, ये भले इनकी रेटिंग कम रही है लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि पहले दो बोर्ड में खासतौर पर ये जो रिनात हैं जिन्होंने तो करवाना को बाहर कर दिया था वर्ल्ड कप से, ये अपनी रेटिंग को जस्टिफाई नहीं करते हैं, ये 2650 के प्लस का परफॉर्मेंस लगातार कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि किस तरह से कजाकिस्तान ऊपर के दो बोर्ड जो है वो होल्ड करेगा। इसके बाद उनका वुमेन सेक्शन बहुत अच्छा कर रहा है, चाहे वो अब्दुल मलिक जानसाया हो या सदाकुसुवा दिनारा हो, यहां पर मुझे लगता है ये वो सेक्शन है जो शायद यूएसए पे भारी पड़ सकता है और यहां पर कजाकिस्तान जो है वो बढ़त बना सकता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इनके जूनियर सेक्शन की, ये भी वो सेक्शन है, यहाँ पर आप कह सकते हो कि लेवांडर अवोंग जो है वो रूस के सॉरी यूएसए के कमाल दिखा सकते हैं, लेकिन उनका जो वुमेन सेक्शन वाला जो जूनियर बोर्ड है वहाँ पर उनको मात का सामना करना पड़ सकता है। तो इनके जो मुकाबले होंगे मेरे हिसाब से बहुत ही नेक टू नेक हो सकते हैं, 3.5-2.5 से इनमें से कोई एक टीम एक दूसरे को हराएगी, बट फिर भी मुझे लगता है शायद कजाकिस्तान भारी पड़ सकता है लेकिन यूएसए भी इसमें जीत सकता है, लेकिन बहुत ही नज़दीकी मुकाबले मेरे ख्याल से इन टीमों के बीच में होंगे। तो दोस्तों ये है मेरे सारे प्रिडिक्शन। दोस्तों मेरे प्रिडिक्शन के हिसाब से, मेरा जो आकलन है मेरे हिसाब से, अगर आप देखेंगे कौन कौन सी टीमें सेमीफाइनल में पहुंच रही हैं, तो चीन और पोलैंड में मुझे लगता है कि चीन का पलड़ा भारी है, चीन इस बार सेमीफाइनल में जरूर खेलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, मुझे लगता है भारतीय टीम को कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी, थोड़े टफ मुकाबले हो सकते हैं यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन भारत जीत करके सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेगा। इसके बाद मुझे लगता है रूस जो है वो क्लियर फेवरेट है हंगरी के खिलाफ और रूस भी सेमीफाइनल पहुंच जाएगा। और चौथी टीम सेमीफाइनल पहुंचने वाली, थोड़ा यहां पर सरप्राइज हो सकता है, मुझे लगता है यूनाइटेड स्टेट्स भी पहुंच सकता है, लेकिन मैं कजाकिस्तान यहां पर बोल रहा हूं। हालांकि इसमें कजाकिस्तान पहुंचे या यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचे, सेमीफाइनल में इनका इस टीम का मुकाबला भारत से होगा और मुझे लगता है बिल्कुल साफ कि भारतीय टीम जिस फॉर्म में है, इन दोनों में से कोई भी टीम पहुंचे, भारत उसको हरा करके फाइनल में पहुंचने वाला है। जबकि रूस और चीन जब टकराएंगे, मुझे एक बार फिर से यही लग रहा है कि रूस ही फाइनल खेलने वाला है। तो कुल मिलाकर के मेरा प्रेडिक्शन यही कह रहा है कि भारत और रूस के बीच में एक बार फिर से ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का फाइनल हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।